औरत है, पहले मुझसे बोली कि बच्चे को गोमती किनारे छोड़ देना, और अब बोल रही है बच्चे को मार दो। तो तू मार देगा इसको? वो तो छोड़, अभी बोलती है कि बच्चे का चेहरा इस कदर बिगाड़ दो कि उसे कोई पहचान ना सके। कहते हैं कि एक औरत के दिल में इतनी ममता, इतना प्यार छुपा होता है कि सारी दुनिया भी उसके लिए कम पड़ सकती है। लेकिन ये कैसी औरत थी जिसने पहले तो एक मासूम बच्चे को अगवा करने की सुपारी दी और फिर उसे मार डालने को कहा? आखिर कौन था ये बच्चा और उसकी दहशत भरी आंखें हमें कौन सा सच कहना चाह रही थी? आइए पहले देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। असलम हुसैन अफसा अहमद के साथ 5,000 मेहर, आपके साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। बेटा हमें बड़ा अफसोस है कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से ना कर सके। हमें खुद भी इस बात का बहुत अफसोस है कि अफसा से हमारा निकाह इतनी सादगी से करना पड़ रहा है। अब आप तो इसकी वजह जानते ही हैं, अगर अचानक हमारी खाला जान का इंतकाल ना हुआ होता तो आज बात ही कुछ और होती। बेटा परवरदिगार की मर्जी के आगे किसकी चलती है, लेकिन बेटा अफसा का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। खुशामदीद। सुभान अल्लाह, नजर ना लगे इस जोड़े को, कब से हम राहें बिछाए आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आइए अंदर आइए। चाचा हमारे लिए क्या लाए? आपके लिए, आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही प्यारी सी दुल्हन चाची। अच्छी लग रही है आप लोग, तो सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे घर के छोटे शहजादे रिजवान। आइए अंदर आइए। आइए, आप पूछें किस क्लास में पढ़ते हैं ये। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। अरे वाह। और ये फर्स्ट लाते हैं फर्स्ट में, है ना? और हर चीज में फर्स्ट है ये, शरारत में भी, है ना? ये हमारे मरहूम शौहर हैं, कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुई मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सो सॉरी भाभी, हम मुआफी चाहते हैं। खाला जान के गुजर जाने के गम में हम आपके निकाह में शरीक ना हो सके, मगर एक बात का बहुत यकीन है हमें, अब आप आ गई हैं तो एक एक करके हम सारे गम भूल जाएंगे। अरे आइए, वो आपके जहेज का सामान बिखरा पड़ा था ना, तो हमने सोचा सलीके से रखने में आपकी मदद कर दे। जी भाभी, लेकिन आप क्यों, हम कर लेते ना। बैठिए, कैसी बातें करती हैं आप। अरे हमारे घर की नई नवेली दुल्हन है आप, और आपके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भाभी हमारी अम्मी ने हमारे लिए ये जहेज बहुत प्यार से संजोया है। I'm sorry भाभी। ये सब मेरी माँ ने मेरे जहेज के लिए बनाया। बहुत कीमती होंगे ये सब। जी भाभी। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे उन्होंने आपके लिए भी एक तोहफा भेजा है। हाँ? अच्छा, हमारे लिए भी गिफ्ट? जी आपके लिए, हम आपको अभी दिखाते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये आपके लिए भेजी है।
साड़ी पसंद आई? हाँ ठीक ही है, बेवा औरतों को सफेद और हल्के रंग ही दिए जाते हैं, मगर हकीकत एक और बात है कि हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। भाभी आप हमारे कोई भी सूट या फिर साड़ी ले सकती है, आपको जो पसंद है। ये देखिए, ये भी आपको अच्छी लगेगी। हाँ ये बहुत प्यारी है, सच कहे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी और आपकी खूब निभेगी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह क्या लग रही हैं आप। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हैं आप? लाए बैग हमें दे असलम। लीजिए। भाई आजकल तो हमें इस बात का डर लगा रहता है कहीं आपको हमारी नजर न लग जाए। सच कह रहा हूँ। असलम हा? आप बैठे, हम आपके लिए चाय लाते हैं। बेशक। वो हमारी आदत है ना, आप नहीं थी तो चाय हम ही बनाया करते थे असलमिया के लिए। हम देखकर आते हैं वो बहुत थक गए होंगे। सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम भाभी, क्या बात है, बहुत खूब गर्मा गर्म चाय। हाँ। एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले बिताना चाहती है और अफशा भी यही चाहती थी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इस तरह बार बार सलमा का उन दोनों के बीच आना अफशा को थोड़ा खल रहा था। जो स्पेस और प्राइवेसी उसे अपने ससुराल में मिलनी चाहिए थी वो अफशा को नहीं मिल रही थी, पर इसकी वजह क्या थी और आखिर क्या चल रहा था अफशा के ससुराल में? असलम हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे असलम, असलम हम गिर जाएंगे। आप तब तक नहीं गिरेंगे जब तक आप हमारी बाहों में। अच्छा हाँ। और अगर गिर गए तो? आप गिर गई तो हम भी आपके साथ गिर जाएंगे। अब जा कहाँ रही हैं आप? आप इधर आए। असलम आप इधर नहीं आए पहले तो फिर लीजिए हम ही आ जाते हैं। असलम 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 भाभी जान असलम जरा इधर आइए। सलमा भाभी नहीं आई नाश्ता करने के लिए? अब हमें कैसे पता होगा कि क्यों नहीं आई? आप ही क्यों नहीं पूछ लेती जाकर? हमने पूछा था पर हमें कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से उनका दरवाजा भी बंद है, कोई बात है क्या? भाभी भाभी क्या ड्रामेबाजी कर रही हैं आप? आखिर आप चाहती क्या है? किस बात की बेसब्री है आपको? क्यों इतनी जल्दी मचा रखी हैं आप? अच्छा तो अब आप भी हमसे ऊंची आवाज में बात करने लगे? कोई खता नहीं आपकी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। जो शख्स बार बार अपनी किस्मत को कोसता है ना, उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती, समझिए आप। असलम मियां ये जुमलेबाजी किसी और को सुनाइएगा, हमें नहीं। आपसे तो बात करना ही फिजूल है, हमेशा तो आपका पारा साथ में आसमान पर नजर आता है। असलम मियां कहे असलम क्या हुआ? ये अफशा दरअसल बात यह है कि भाभी का मूड बिना वजह कभी कभी खराब होता है, इसलिए आप परेशान मत होइए, वो अपने आप ठीक हो जाए। हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं इसलिए चलो। ठीक है एक मिनट असलम,
हमें भी कुछ शॉपिंग करनी थी, हम आपके साथ मार्केट चले? ठीक है चलिए। सलमा भाभी कह रही थी कि उनके शौहर आर्मी में थे, शहीद हो गए। हाँ तो? तो क्या वो सारी जिंदगी हमारे साथ में रहेंगी? सलमा भाभी हमारे बड़े भाई की बेवा है, एक बच्चा है उनका, वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात पे? अरे एक तो आप गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही हैं, ऊपर से आप कह रही हैं हम नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे ये बात सोची भी कैसे? एक बात कहें आपसे, हमें ऐसा लगता है कि उनको ना हमारी खुशियों से जलन होती है, वो जलती है हमसे। अरे जब भी हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी बहाने से वो हमारे बीच में आ जाती हैं। हमारी मानिए तो उनका दूसरा निकाह कर दीजिए, रिजवान या तो उनके साथ में रह लेगा, नहीं तो उसका हम दाखिला किसी बोर्डिंग स्कूल में करा देंगे। रिजवान कहीं नहीं जाएगा, समझ गई आप? सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप हो गई आपकी शॉपिंग, हो गई, अब हम ऑफिस जाएं? और आप घर जाने की तकलीफ उठाएंगी? प्लीज सलमा भाभी का उनके साथ रहना और बार बार उनकी जिंदगी में दखल देना अफशां को बहुत नागवार गुजरने लगा। अफशां तो ये महसूस कर रही थी, लेकिन असलम को ये सब कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा था। और जब अफशां ने इस बारे में खुलकर असलम से बात की तो असलम ने उसे ही छिड़क दिया। रंजिशें और आपसी झगड़े बढ़ते गए और फिर हालात बद से बदतर हो गए। सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप भाभी, भाभी, भाभी पौने दो बज गए, आप अभी तक रिजवान को लेने बस स्टॉप नहीं गई? आज हमारा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और घड़ी पे नजर भी नहीं गई हमारी। ठीक है आप आराम कीजिए, मैं जाके रिजवान को ले आती हूँ। भाभी अब आप चुप भी करेंगी? आप तो अल्लाह का वास्ता, अरे हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना रिजवान का पता लगाने के लिए, जो कुछ भी हो सकता है, कम से कम रोना धोना तो बंद करिए आप। अरे रिजवान। हेलो असलम हुसैन। हाँ असलम हुसैन बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिजवान हमारी कैद में है, अपने बच्चे का मासूम चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो उसकी कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए है। क्या क्या बेवड़ा मजाक है, कौन बोल रहा है? सुना नहीं तूने? बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 15 लाख। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलेगा भी कोई? किसका फोन था बताइए ना इस्लामिया, किसका फोन था बताइए ना इस्लामिया। आप ही संभालिए अपने आप को, इससे रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। पर हमने आपसे पूछा ना, बताइए किसका फोन था? अरे कहर पर पाए हम पर, रिजवान को किसी ने किडनैप कर लिया है और कीमत रखी है 15 लाख रुपए और मोहलत है 24 घंटे की। पागल हो गई आप? हमारे बच्चे की जान लेना चाहती है? अगर हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो वो लोग हमारे बच्चे की जान ले लेंगे। नहीं कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, पुलिस में हमने कह दिया ना कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, हम हमारे बच्चे को खोना नहीं चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से रुपए का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चे को हमें ला दीजिए, हमारा बच्चा हमें दे दो, नहीं हम अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते। लेकिन भाभी हम इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहीं से भी इंतजाम कीजिए, लेकिन हमें हमारा कहाँ से लेकर आएंगे? हम कर्ज क्या कोई भीख भी नहीं देगा हमें? 15 लाख रुपए आप समझ रही है? 15 लाख हमारा बच्चा।
सुनिए, हमारा तो दिमाग ही टेंशन में पड़ गया, हमें कुछ समझ नहीं। हम अब्बू से बात करेंगे और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटा बहुत दुख हुआ रिजवान के बारे में सुनकर, यह बढ़ते हुए जुर्म, ये इंसान के पैसों के लिए हवस, बेटे सब कयामत की निशानियां हैं। असलम मियां, ये लीजिए 15 लाख, ये रुपए लेके जाइए और रिजवान को सही सलामत लेके आइए। लीजिए बेटा। ले लीजिए असलम। अबू, हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि हम आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतार पाएंगे। अब सब बातें छोड़िए, आप पैसे लीजिए और जाके रिजवान को लेके आइए। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। पैसा लाया? रिजवान कहाँ है? बैग दे। पहले रिजवान को, वो जितना बोलता है करना। रिजवान कहाँ है? आ असलम, छोड़ छोड़ पैसे दे, पैसे पैसे दे, चल 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 पैसे दे, चल। रिजवान, असलम हुसैन, हमें इस केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे शौहर अभी इस हालत में नहीं है कि आपकी किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मेहरबानी करके आप लोग बाद में तशरीफ लाएं। ठीक है, चलो। अजीब बात है सर,
बच्चे की मैयत के शोक में सिर्फ परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस का कोई दिख नहीं रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। यूसुफ साहब, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन कातिल और किडनैपर को पकड़ने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। जी हाँ, हम समझ सकते हैं बेटा। पुलिस को कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। रिजवान का किडनैप हुआ और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? जी, हमें लगा कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमारे रिजवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि वो पैसे ले लेंगे और हमारे रिजवान को रिहा कर देंगे। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? नौकरी करते थे पर छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट देखा है हमने यही मार्केट में, उसी को लीज पर लेने का इरादा रखते हैं। काम तुम्हारे पास है नहीं, रेस्टोरेंट ले रहे हो वो भी लीज पे, लेकिन इतने बड़े घर में रहते हो? जी, भाड़े पर है। सिंह, जीप का नंबर ले लो। सर, मैं तुम्हारी भाभी सलमा से कुछ सवालात करना चाहूंगा। ये तस्वीर किसकी है? आप लोग के किसी रिश्तेदार की? ये हमारे शौहर है, मरहूम मोहम्मद हुसैन। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुए मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। I'm sorry. सलमा जी, मेरा मानना है कि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो नजर का धोखा होता है। मुजरिम हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है लेकिन हम उसे देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी बात जो आपको याद आए या आप कुछ बताना चाहें तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, चलो। सिंह। यस सर। मुझे ये महमूद हसन वाला मामला समझ में नहीं आ रहा। क्यों सर? शहीद आर्मी अफसरों को सरकार उनकी बहादुरी के लिए मेडल्स और अवार्ड्स देती है, जिसे उनकी बीवियां बड़े गर्व से घर में सजा के रखती है। लेकिन सलमा के घर में सिवाय तस्वीर के हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, हो सकता है उसने अलमारी में संभाल के रखा हो। मेडल्स और अवार्ड्स अलमारी में? नहीं सिंह, मामला कुछ और ही। तस्वीर में लगा वो चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना था, कहीं तो देखा है मैंने। एक काम करूँ, असलम के पड़ोसियों से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करूँ। अफशा जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो कहिए। हमने आपको नहीं बताया कि हमारी नौकरी चली गई है। ये कब हुआ असलम? आज के दिन पूरे 2 हफ्ते हो गए। पर आप तो पिछले 2 हफ्तों से रोज जॉब पे जाते हैं। हम जॉब पर नहीं जाते हैं, पास ही में मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, उसी को लीज पर लेना चाहते हैं। उसी सौदे की दौड़ भाग में मशगूल थे। आपको कुल कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 11 लाख के करीब। 11 लाख? असलम, हम सोच रहे थे कि हम अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आप ले लीजिएगा। अफशा, कैसी बात कर रही हैं आप? हमने आपसे ये बात इसलिए बताई ताकि हमारे मन में कोई मलाल न रहे कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हम इतने नहीं गिर सकते ना अफशा कि हम अपनी निगाहों में शर्मिंदगी महसूस करें। सर, उनके पड़ोसी उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते, क्योंकि असलम और उनकी फैमिली 2-3 हफ्ते पहले उस मोहल्ले में रहने के लिए आए, और आस पड़ोस के लोगों से भी कोई खास जान पहचान नहीं है। जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर? सर, वो नंबर गलत निकला। सर, हो सकता है उसने नंबर ठीक से देखा नहीं हो, या शायद सर ये भी हो सकता है कि उसने नंबर जानबूझकर गलत दिया। और वो फौजी अफसर महमूद हसन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को लिख दिया है, 1-2 दिन में शायद जवाब आ जाए। भाभी, ये आप कैसे आलू छील रही हैं? आप तो ज्यादा से ज्यादा आलू बर्बाद कर रही हैं। तो अब आप सिखाएंगे हमें तौर तरीके, हाँ, कि घर कैसे चलाना है और कैसे नहीं? हम कह नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। भाभी, पैसे पेड़ पे तोड़ते नहीं है, हमारे शौहर की गाड़ी कमाई के पैसे हैं। शौहर? जी, हमारे शौहर। एक बात मत भूलिएगा, इस घर पे आपसे ज्यादा हमारा हक है। हमारा क्या हो रहा है? असलम, आप दोनों झगड़ क्यों? असलम मियां, हम झगड़ नहीं रहे, आपकी बीबी हम पे धौंस जमा रही है। और सच तो ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। चोरी? कौन सी चोरी? हाँ हाँ, चोरी की है आपने।
जुल्म किया है हमारे ऊपर, हमारा सुख चैन सब छीन लिया है आपने, हमारी रिजवान की जान ली है आपने, और अब हमारी भी जान लेना चाहती हैं आप। सच यही है कि हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं आप, बस करिए आप। सलमा भाभी आपको जरा भी इल्म है कि आप क्या बोल रही हैं? हम सच कह रहे हैं असलम बाबू, सच कह रहे हैं। इसकी नजरों में हम आपके लिए बोझ हो चुके हैं। असलम, अपने अमीर बाप से रुपया दिलवाना, हमदर्दी जताना, ये सब ढोंगता इनका हमारे लिए। सच तो ये है कि अब हमारी भी जान लेना चाहती है, चाहती है घुट घुट के हम मर जाए। सब सलमा भाभी आप पागल हो गई हैं और कुछ नहीं है, आप पागल हो गई हैं। बस हुआ, हम सच कह रहे हैं, खुदा के वास्ते मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने हमारे बच्चे की जान ली है, यही है वो जिम्मेदार। आप पागल हो चुकी हैं, पागल नहीं, हम सच कह रहे हैं। असलम ये हमारे पास सुनिए सर, किडनैपर ने जिस नंबर से असलम हुसैन को फोन किया वो प्रीपेड नंबर है सर, जाली डॉक्यूमेंट पे लिया गया होगा। और सर ये कि मैंने कई बार उस नंबर पे ट्राई किया लेकिन तभी से वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी सर, मैंने पता लगा लिया है, उस नंबर से शांति नगर में रहने वाले गुंडे को कई बार कॉल किया गया है। गुंडे को? जी सर। क्या नाम है उसका? पांड्या, और पुलिस रिकॉर्ड में पांड्या चक्कू के नाम से मशहूर है। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं हम आपको, अगर दोबारा अफसा से कोई बदतमीजी की या इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए तो क्या कर लेंगे आप बताइए ना, क्या कर लेंगे? हम देख रहे हैं जब से वो औरत आपकी जिंदगी में आई है आपको कोई और दिखती ही नहीं, इतनी फिकर पड़ी है ना, तो जाकर बैठ जाइए उसकी गोद में। अपनी बात बातें अपने पास रखिए, नहीं सुननी आपकी बात, सुननी हाँ? हाथ छोड़िए हमारा, नहीं छोड़िए। हरकत है ये? हरकतों की बात मत कीजिए, कभी आपने अपने गिरबान में झाकर देखा है आपकी क्या हरकत है? आप क्या करते हैं? नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। सर पांडे तो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? यस सर, कल बीच सड़क पर एक ट्रक ने उसको ठोक दिया, बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी। पांड्या को कुछ लोग बेहोश हालत में उठाकर लाए थे, अब तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टर एक मासूम बच्चे के किडनैप और हत्या के सिलसिले में पांड्या से पूछताछ करनी, क्या आप बता सकते हैं उसे होश कब तक आ सकता है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक दो दिन में होश आ जाएगा। हेलो, असलम हुसैन जी, असलम बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर शुभम बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, पुलिस को ऐसा सुराग मिल गया है जिससे रिजवान को किडनैप करने वाले का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। हमारे लिए भी चाय बना दीजिए। जी भाभी, नाराज हैं आप हमसे, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा अपने किए हुए गुनाह के लिए। सच कहें तो रिजवान की मौत के बाद हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं, जिन बदमाशों ने हमारे मासूम बच्चे का कत्ल किया उसके खिलाफ हमारे मन में इतना गुस्सा भरा है कि छोटी छोटी बात भी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। हमें बहुत अफसोस है, इस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, अल्लाह ने अगर आपको जख्म दिया है तो उस जख्म से बाहर भी निकालेगा, आप बस हौसला रखिए। हाँ आप ठीक कह रही हैं, अब पता नहीं क्यों यहाँ जी नहीं लगता है, सोचते हैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं, असलम से कहते हैं वो हमारे मायके हमें छोड़ दे। जी भाभी। असलम कब तक आ जाएंगे आप? अब सलमा भाभी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, अगर घर वालों ने जिद की तो एक दिन रुक जाएंगे, परसों तो वापस यहाँ आ जाएंगे हम। लेकिन असलम हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो बस हम आ जाएंगे ना परसों, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। नहीं नहीं, कुछ अर्जेंट बात करनी है। देखो लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं और उन्हें छोड़कर आ जाएंगे, ठीक है तब बात करते हैं। अल्लाह असलम कहाँ रह गए थे आप, जल्दी चलिए गाड़ी छूट जाएगी। नहीं छूटेगी, आप चलिए आप चलिए। सर हमें असलम की बहुत फिक्र हो रही है, उन्होंने हमसे कहा था कि वो दो तीन दिन में आ जाएंगे, अभी पूरा हफ्ता होने वाला है, ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही वो हमें सामने से फोन कर रहे हैं। आपने अपनी सलमा भाभी को फोन नहीं किया? सर हमने सलमा भाभी को भी फोन किया था, उनके फोन की बेल बज रही है लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। ये असलम कहाँ गया होगा?
उसका अता पता ठिकाना तो कुछ मालूम होगा आपको? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। शादी की है अपने उस फैमिली में और उसका अता पता ठिकाना आपको मालूम नहीं है? बड़े ताज्जुब की बात है। अफशा की जान पहचान असलम से इंटरनेट पर हुई थी, फिर निकाह इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम कुछ पूछताछ कर ही नहीं पाए। जैन सर। जैन, क्या खबर? सर, पंड्या को होश आ गया है, उसने अपना बयान दे दिया। क्या बोला? सर, पंड्या ने बिल्ला नाम के एक गुंडे के बारे में बताया। बिल्ला ने रिजवान को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट देने वाली एक औरत थी। पंड्या ने बिल्ला का पता लगाना कुछ बताया? सर, पंड्या ने बताया कि बिल्ला एक मैकेनिक है, लेकिन थोड़ा याश टाइप का आदमी है, या तो गैरेज में मिलेगा या फिर किसी तवायफ के कोठे पर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब माजरा क्या है? आप परेशान मत होइए, अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है, बहुत ही जल्द इस ड्रामे का पर्दा खुलने वाला है। पुलिस तहकीकात कर रही थी लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अफशा और असलम के घर में ड्रामेटिक घटनाएं हो रही, और इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसे देखकर वो भी दंग रह गए। सर, आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आ गया, ये देखिए। सर, सलमा ने बताया था कि वो महमूद हसन की बेवा है, जबकि सर महमूद हसन की बेवा वो किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर महमूद हसन कुंवारा था, एकदम बैचलर, और सर आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि महमूद हसन का ना तो कोई आगे था और ना ही पीछे। यतीम खाने में उसकी परवरिश हुई और डोनेशन के दम पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिर सच्चाई है क्या? उस घर में ऐसा क्या चल रहा है? ठीक है, केस तो उलझते जा रहा है। मिला? सर, ये मसूद भाई है, असलम ने इनसे मकान किराए पे लिया था। असलम को जब आपने घर किराए पे दिया जी, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे? जी हाँ, जब वो यहाँ किराए पर आया था तो उसने आईडी प्रूफ के तौर पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के एक जेरॉक्स कॉपी हमें दी थी। दिखाइए। ये तो उन्नाव से इशू हुआ, डिटेल निकालो उसकी। सर, सर ये असलम तो एक नंबर का चालबाज और बेवकूफ निकला, इसका लाइसेंस भी फर्जी है, इसने किसी और के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पर अपनी फोटो लगाई है। ये देखिए सर, तो इस असली असलम से मैं फौरन मिल रहा हूं। एक्स, चलो। ये तस्वीर आपकी है? हाँ जी, मेरी है। इसको जानते हो? ये तो गुड्डू की तस्वीर है, अब क्या हरकत कर दी इसने? और क्या जानते हो उसके बारे में? सर, बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत बड़े बड़े सपने थे सर इसके, चोरी चकारी करके रुपए हासिल करना और अय्याशियों में उड़ा देना। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? इस औरत को जानते हो? ये उसके साथ रहती थी। होगी सर कोई माशूका उसकी। अच्छा, ये गुड्डू उर्फ गफ्फार अली का एड्रेस जानते हो? जी हाँ। पुलिस की कोशिशों से राज खुलते जा रहे थे, असलम का रचाया हुआ खेल सामने आ रहा था, खून की लकीरें फैलती जा रही थी। कौन किसके साथ मिला हुआ था? क्या सबके सब पर्दाफाश हुए या इनमें से कोई छुपा रुस्तम भी था? बड़े मियां जी, कहिए। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली आप लोगों का बेटा? मेरा बेटा था, मगर अब हमारे लिए वो मर चुका है। रुकिए बड़े भैया, पुलिस को गुड्डू की तलाश है, वो आपके लिए मर गया ये कहकर आप उसे कानून की गिरफ्त से बचा नहीं सकते। बचा रहे हैं? कौन बचा रहा है उसे? अगर वो कानून की नजरों से बच भी गया तो अल्लाह उसे सजा देगा। अल्लाह क्या आप बता सकती हैं गुड्डू कहाँ है? देखिए, हो सकता है आपके सच बताने से गुड्डू की जान बच जाए। देखिए, गुड्डू कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, कल उसका फोन हमारे पास आया था, ये इस नंबर से। इस नंबर को नोट करो और फोन को ट्रैक पे डालो। हेलो, किस लड़की को पहचानती?
गरम जली नाश पीटी, ये तो सलमा है, इसीने हमारे बेटे को फंसाया है। दोनों साथी भागे थे, चीरे पड़े डॉइन के नाश पीटी खत्म हो जाए, गारत हो जाए, ने बेटे को हमारे बेटे को जलक कर दिया है। हेलो, क्या? ठीक है, चलो। कमरे की छानबीन अच्छी तरह करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इतनी चालाकियां होशियारी करने के बाद इसे मिला क्या? सिर्फ दर्दनाक मौत। चलो चलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर, ये आदमी आया था? हाँ सर, ये आदमी सौरभ के साथ आया था, एक दिन रुका और अगले दिन चला गया। अच्छा, आपका सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? नेक्स्ट डे थैंक्स सिंह, एक काम करो। सर, गुड्डू की माँ का फोन लगातार चेक करते रहो, वो अपनी माँ से फोन पे बात करने की कोशिश जरूर करे। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। हाँ सिंह बोलो। सर, अभी अभी गुड्डू की माँ की सेल पे गुड्डू का कॉल आया था, कॉल ट्रेस हुआ है सर। सर, कॉल इटावा से है। गुड, मैं भी पहुंच रहा हूँ। सर, प्लान हमारा नहीं था साहब, सलमा का था। सलमा तेरी क्या लगती थी? बीवी थी हमारी, वो बेशुमार दौलत हासिल करके शान की जिंदगी जीना चाहती थी वो, पर हमारी कमाई उतनी नहीं थी। ऊपर से घर में एक बच्चा भी हो गया था, खर्चे हजार और कमाई कौड़ियों वाली, हम भी तंग आ गए थे इस जिंदगी से। तभी सलमा ने कहा कि हमारे पास एक प्लान है इस पत्थर जिंदगी से बाहर निकलने का, कि इंटरनेट के जरिए बड़े घर की लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाना, उनसे निकाह करना, और महीने दो महीने के भीतर लाखों रुपए और जेवर लेकर फरार हो जाना। आपसे हमारी पहली शिकार थी साहब, निकाह के एक दो दिन के भीतर ही हमने ये प्लान बनाया कि हम अपने बेटे रिजवान का किडनैप करवाएंगे और अपनी बेबसी और लाचारगी का रोना रोकर अफसा के घर वालों से एक मोटी रकम हासिल करेंगे। पर आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था साहब कि सलमा दौलत के हवस में ऐसी फंसेगी कि वो अपने बेटे की भी जान ले लेगी। कहते थे रिजवान हमारे प्लान को खराब कर देते। साहब, उस जेवर की चमक में इस तरह अंधी हो गई साहब कि उसको अपने बेटे का गाढ़ा खून भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। साहब, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने साहब उसको मार डाला। इंतकाम था हमारा साहब। लालच बुरी बला है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाना, पैसे की चाह रखना यह गलत नहीं है, पर उस चाह को पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाना वो गलत। सलमा मर चुकी थी, उसका पति सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, और उनकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और एक जवान लड़की और उसके परिवार की खुशियां तबाह हो गई। लेकिन अफशा और उसके परिवार वालों को इंटरनेट द्वारा की गई दोस्ती और प्यार को शादी जैसे रिश्ते की ओर ले जाने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, कुछ ही पलों में किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब बात अपनों की हो, हमारे रिश्तों की हो, तो इंटरनेट को मात्र एक जरिया ही समझो, और कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ अपने दिल का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।